कुल्लू में गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस का उत्सव 25 नवंबर से कुल्लू की सिंह सभा द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें हर समुदाय के लोग सेवादार बनकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मौके पर कुल्लू के कार सेवा दल के अध्यक्ष, जो कार सेवा दल को बखूबी चला रहे, मनदीप सिंह ने अपने साथियों सहित कुल्लू के मुख्य हस्तपाल में सेवादार बनकर दाखिल बीमार लोगों को मीठा और नमकीन दलिया बांटा। इस सेवा के मौके पर कुल्लू के साध्वी मानसी देवी ने भी अस्पताल में आए बीमार लोगों को दलिया बांटा और उन्हें जल्दी स्वस्थ होने का आशीर्वाद भी दिया। गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर 25 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाला यह पर्व जिला कुल्लू में मनाया जा रहा है। नमस्कार। नमस्ते जी। आप यहाँ पे क्षेत्रीय अस्पताल में आए हैं, कार सेवा दल के मनदीप जी के साथ आपको देखा गया जी। किस पर्पज से आए आप हॉस्पिटल में और कैसा आप वक्त का दान दे रहे हैं? ये मनदीप जी के आग्रह पर मैं इधर आई हूँ। इनके साथ मतलब काफ़ी अच्छे से संबंध है, संपर्क है, तो इनके मैंने काफ़ी मना किया था भी, मैं 3 वर्षों से कहीं आती जाती नहीं हूँ, किंतु इन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा सा आइए आइए आप, तो मैं आ गई हूँ। वैसे मैं कुल्लू की लोकल लड़की हूँ। आपके आश्रम का, माता जी आश्रम से जुड़े हुए लगते हैं, आपका सनातन वाला आपका ये चोला पहना हुआ, आपने कितने समय से आपने ये चोला पहना हुआ और सनातन से कब से जुड़े हुए? 1965 से। किस पर्पज से माता जी 1965 से आप? भगवान की कृपा से मेरे मतलब पूज्य पिताजी पंडित ब्रिजलाल जी सारे कुल्लू में जाने वाले व्यक्ति थे, और वो मतलब कमेटी ऑफिस में 3 वर्षों तक वो कमेटी के प्रधान उप प्रधान वगैरह भी रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नौजवानों को देना चाहिए ये कार्यक्रम, वो उन्होंने ले लिया। तो पांचों भाइयों में मैं मतलब पंचमी हूँ, मैं पांचवें स्थान में आई हूँ, इसलिए पंचमी नाम तो पंचमी नहीं है। खैर शुरू का नाम मेरा और था, गुरु जी ने मुझको मानसी चैतन्य नाम दिया है। तो गुरु जी के पास मैं 1966 से ही आती जाती थी, मेरे बड़े भाई जी आते जाते थे तो उनके पीछे पीछे मैं भी आई गई। तो मेरा जो बचपन है बहुत लाड प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से बीता है। माता जी आपने गुरु जी का अभी जिक्र किया, ये गुरु जी का नाम बताएंगे और कौन से आश्रम से जुड़े हुए आप? ये रामकृष्ण विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना है ना आपने, जो विवेकानंद जी के गुरु जी रहे हैं, तो उनका आश्रम है मंदिर में। आज तक माता जी कितने स्थानों पे आप आशीर्वाद दे चुके हैं हिमाचल में? हिमाचल से दूसरी जगह पे भी गए आप? हाँ, गुजरात में जाती थी, दिल्ली में जाती थी, चंडीगढ़ में जाती थी, अहमदाबाद, अब वही तो गुजरात में बोला ना मैंने, और अभी अभी कुल्लू में 1993 में मैंने 25,000 विद्यार्थियों को मतलब ये शिक्षा दीक्षा दी। हाँ नहीं, मॉर्निंग असेंबली में मैं भाषण देती थी तो सारे मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था। कोई आपके प्रशिक्षु भी है माता जी? हैं, प्रशिक्षु भी है कुल्लू में आपके? कोई प्रशिक्षु कोई नहीं है, मैं प्रशिक्षु क्यों है, सारे हम मित्र दोस्त हैं। सभी को भक्तजन मानती है आप? सभी को भक्तजन मानती है? भक्तजन मानती है, मैं तो कहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, अब बोलो तो प्रभु प्रेमी तो सभी है ना, आपको भी प्रभु प्रिय, आपको भी प्रभु प्रिय, मेरे को भी प्रभु प्रिय, आपको भी, आपको भी, आपको भी, सबको भी। कुछ आम जनता के लिए जो आजकल नशे में पड़े हुए है, दूसरी संगतों में पड़ी, बुरी संगतों में पड़ गए हैं, उनके लिए कुछ आप प्रेरणादायक एक दो शब्द लोगों के बोलिए आप। हाँ तो पहले मैं बोलूंगी बी एंड मेक, पहले बनो और फिर बनाओ। तो पहले हम अपने आप से दोष दुर्गुण त्रुटियां हम दूर करें, तब हम दूसरों को बना सकते हैं।
कि मैं बोलूंगी शराब मत पीना, शराब मत पीना, किंतु मैं रात को दो घुटी लगा लूं तो आप क्या बोलेंगे? तो नहीं, बी एंड मेक। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो बोलते हैं बनो और बनाओ, खुद अच्छे बनो और दूसरों को अच्छा बनाओ। तो हम बोलते हैं कि खुद बनो और बनाओ, यही है। कार सेवा के लिए कोई दो शब्द माता जी? मैंने कार शब्द के लिए बहुत कुछ बोला। कार शब्द के लिए मैं नमस्कार करती हूँ, इतने सभी लोगों का आशीर्वाद आप सबके साथ, भगवान का आशीर्वाद आप सबके साथ है। तो ये सेवा क्या है? सेवा धर्म परम गगन, सेवा धर्म जो है बहुत गहन है, ये गहरा है। तो इस कारण ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।